दुर्ग जिले में लगातार नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन को देखते हुए दुर्ग द्वारा नर्सिंग होम पर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, जिसके तहत डॉक्टर अनिल शुक्ला नोडल अधिकारी द्वारा लगातार पूरे जिले में नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में नर्सिंग होम पर कार्रवाई की गई, जिसमें बिना अनुमति के संचालक सहित स्टाफ, लैब सहित बिंदुओं पर चेकिंग की गई और बड़े पैमाने में अनियमितताएं पाबंदी लगाई गई। देखिए, टोटल अपने दुर्ग जिले में लगभग 573 सभी मिलाकर के क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डेंटल क्लिनिक सब मिलाकर के है, जिसमें कि लगभग 469 लोगों को जो है लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुका है और बाकी जितने बचे हैं 104 लोग उनको अभी प्रक्रिया में है, वो प्रोसेस में है। जब मीटिंग होगी तो संभावित कोई भी तिथि मिल जाएगी हमको माननीय कलेक्टर महोदय से, उसके बाद उनको जारी कर दिया जाएगा। और लगभग जो है हमारे यहाँ दुर्ग जिले में जहाँ जहाँ से भी कंप्लेन आई है या जो भी ऐसी शिकवा शिकायत मिली है, क्योंकि हमने इस बीच में देखा जब मैं प्रभार लिया कि लगभग बहुत सारे फाइलें रखी हुई थी जो कि अंडर प्रोसेस में था। कई बार क्या होता था कि किसी का एनओसी फायर की या किसी की एनओसी जो है बीएमडब्ल्यू की, इसकी एक्सपायर हो जाती थी और लाइसेंस उसकी वजह से लैप्स हो जाता था। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि जितने लोगों का था उनकी मीटिंग ले करके लगभग हमने 88 लोगों को लाइसेंस जारी किया है करीब 72 दिनों में, और अभी कई लोगों को जो बचे हुए हैं शेष उनके भी प्रक्रिया चल रही है।